वेलकम टू माय चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आसूस के लॉन्च हो चुके दो लो बजट स्मार्टफोन्स के बारे में, जिसका नाम है आसूस जेनफोन मैक्स M1 एंड आसूस जेनफोन लाइट ML1। एज द नेम सजेस्ट फ्रेंड्स, ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि जो लाइट L1 है वो बेसिकली एक लाइटर वेरियंट है आसूस जेन मैक्स M1 का, एंड ऑलमोस्ट ये दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन सेम है विथ माइनर डिफरेंसेज। इन दोनों स्मार्टफोन्स की हाईलाइट ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स में 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है। बट इसके अलावा एक ह्यूज डिफरेंस ये है कि जो आसूस जेनफोन मैक्स M1 है उसमें दो टाइप के बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लॉक्स दिए गए, तो वो है ऑफकोर्स फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक, जबकि जो उसका लाइटर वेरियंट है L1 उसमें सिर्फ फेस अनलॉक फीचर ही दिया गया है, कहीं पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है। तो यस, ये था मेजर डिफरेंस दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे और फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। बट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आसूस जेनफोन मैक्स M1 एंड आसूस जेनफोन लाइट L1 के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन साइज के बारे में बात करते हैं, तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन्स में 5.45 इंचेस का स्क्रीन दिया है, जिसमें IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 pixels into 1440 pixels, एंड इसके अलावा इनमें 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी दिया है। एंड अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर के बारे में। यस, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया है विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट। एंड इसके अलावा रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के मामले में बात करते हैं, तो यस, यहीं पे डिफरेंस है। जो उसका हायर वेरिएंट है, जो कि है आसूस जेनफोन मैक्स M1, उसमें 3GB रैम दिया है विथ 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड इसका जो लोअर वेरिएंट है आसूस जेनफोन लाइट L1, उसमें 2GB रैम दिया है विथ 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से मेमोरी को 256GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड एक और अच्छी बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन्स में एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया है। एंड अब बात करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स के OS के बारे में, तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन विल रन ऑन एंड्रॉइड ओरियो 8.1। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स का अगेन कैमरा के मामले में। तो कि एज आई सेड इन द बिगनिंग, ये दोनों स्मार्टफोन्स का रेयर कैमरा बिल्कुल सेम है, जो कि है 13 मेगापिक्सल का। उसका अपर्चर 2.0 है, उसमें ऑटोफोकस भी दिया है, साथ में LED फ्लैश भी दी गई है। एंड अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यस, यहाँ पे डिफरेंस है, जो अगेन उसका हायर वेरियंट है आसूस जेनफोन मैक्स M1, उसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, उसका अपर्चर है F2.2, एंड साथ में उसमें भी सेल्फी फ्लैश दी गई है। एंड जब हम बात करेंगे आसूस जेनफोन लाइट L1 के बारे में, तो उसका सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, उसका अपर्चर भी है F2.2, एंड साथ में उसमें भी सेल्फी फ्लैश दी गई है। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन्स के कैमराज में ऑफकोर्स ब्यूटिफिकेशन फीचर्स, HDR और पेनारोमा जैसे नॉर्मल फीचर्स तो रहेंगे ही। एंड नॉट टू फॉरगेट कि ये दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमराज में से फेस अनलॉक फंक्शनलिटी दी गई है, जिससे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। एंड अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो यस, अगेन यहाँ पे डिफरेंस है। जिसका हायर वेरियंट है आसूस जेनफोन मैक्स M1, उसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, बल्कि जब उसका लो वेरिएंट है, जो कि है आसूस जेनफोन लाइट L1, उसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल सिम रहेगा, तो एक अच्छी बात ये है कि ये दोनों वेरिएंट्स में आपको 3 कार्ड स्लॉट्स मिलेंगे, तो बेसिकली 2 सिम कार्ड के लिए एंड एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर हम लोग कलर वेरियंट के बारे में बात करेंगे, तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन्स ब्लैक एंड गोल्ड कलर वेरियंट में अवेलेबल रहेगा। एंड आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में, तो कनेक्टिविटी के मामले में अगेन ऑलमोस्ट सेम है, 4G वॉइस ओवर LTE रहेगा, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, GPS है, AGPS है, 3.5mm का ऑडियो जैक है, एंड माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। एंड अगर सेंसर्स के मामले में बात करेंगे, तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन्स में एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ई-कॉम्पास जैसे सेंसर्स इंक्लूडेड है। बट अगेन द मेजर डिफरेंस कम हियर कि जो उसका हायर वेरिएंट है आसूस जेनफोन मैक्स M1, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जबकि जो लोअर वेरिएंट है आसूस जेनफोन लाइट L1, उसमें कहीं पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आसूस जेनफोन मैक्स M1 एंड आसूस जेनफोन लाइट L1 के बारे में। एंड अब प्राइसिंग को लेकर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके हायर वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, तो उसका इंडिया में प्राइस सेट किया गया 8999, विच इज ऑलमोस्ट 9000। एंड जो उसका लोअर वेरिएंट है आसूस जेनफोन लाइट L1, उसका इंडियन रुपीज में प्राइस सेट किया गया है 6999, विच इज ऑलमोस्ट 7000। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स फ्लिपकार्ट धमाका ऑफर में एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट अवेलेबल रहेंगे। यस, ये दोनों स्मार्टफोन्स में आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी मिलेगा,
तो एंड इससे और भी अच्छी बात यह है कि जो Asus Zenfone Max M1 है उसका जो प्राइस है अभी 9000, वो आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर में 7500 के आसपास अवेलेबल रहेगा। एंड इसके अलावा ऑफकोर्स आपको सारे डेबिट कार्ड्स पे भी ऑफर रहेंगे। जियो यूजर्स के लिए आपको 2200 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कूपन्स और वाउचर्स। तो यस, अगर हम बात करें कि क्या स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन निकाला है Asus ने। अगर L1 के बारे में भी बात करें तो ये 7000 आपको स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट भी मिल रहा है, कैमरा भी अच्छा ही है, एंड इसके अलावा आपको 3000 की बैटरी एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। एंड साथ में अगर हम लोग मैक्स M1 के बारे में बात करें तो ये 4000 mAh की बैटरी, वेरी गुड पॉइंट, कैमरा इज अगेन सेम, एंड इसके अलावा में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों भी मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिंस इंट्रोडक्टरी ऑफर पे आपको 7500 में मिल सकता है ये स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए ये स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स, ये थी ओवरऑल बात Asus के दो रिसेंटली लॉन्च होकर स्मार्टफोन्स, एंड वो जल्दी ही ऑनलाइन अवेलेबल होने वाले हैं। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।